चलिए इस बीच हम रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूएस बाजार खुलते ही गिरावट की चपट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन्स में करीब 600 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है, नैस्डैक में करीब 180 पॉइंट, S&P 500 में देख रहे हैं हम 2% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। जिस तरह से 41 साल की रिकॉर्ड हाई पर महंगाई के आंकड़े आए थे कल यूएस में, 8.8% का अनुमान था, लेकिन उसके बजाय 9.1% पर महंगाई का अनुमान आया है, महंगाई का आंकड़ा आया है, जिसके चलते हमने देखा कि गिरावट कल के सेशन में हालांकि काफी हद तक संभली हुई थी, लेकिन आज यूएस के बाजार हमें जोरदार तरीके से गिरावट की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती दौर में यहां पर फिलहाल 500 पॉइंट से ज्यादा डाउ जोन्स में कमजोरी है, S&P 500 लगभग 2% गिरा हुआ है, नैस्डैक में भी हम देख रहे हैं 150 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, हम आपको बताएं कमोडिटीज और खासतौर से प्रेशियस कमोडिटीज, सेमी प्रेशियस कमोडिटी, जहां पर सोने और चांदी की बात हो रही है, यहां पर भी गिरावट पर ही कारोबार हो रहा है। कॉमिक्स पर हमने देखा कि चांदी लगभग 5% गिरी हुई थी, और अगर हम सोने की बात करें तो यहां पर कॉमिक्स पर भी सोना लगभग 2% के आसपास गिरा हुआ है। चांदी में भी हम देख रहे हैं 5.5% की कमजोरी, यहां पर चांदी में कमजोरी बढ़ती जा रही है, कॉपर में 4.25% की कमजोरी है, और तमाम बेस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं कमजोरी का आलम गहराता जा रहा है। जहां तक कच्चे तेल की बात है, हम देख सकते हैं यहां पर ब्रेंट लगभग 4.5% की कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है विदेशी बाजारों में, और यही गिरावट घरेलू बाजार में भी ट्रांसलेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल यूएस के बाजार शुरुआती दौर में खुलते ही हमने देखा कि गिरावट के साथ खुले हैं, 600 अंकों की कमजोरी डाउ जोन्स में दिखाई दे रही है, और लगभग 2% की कमजोरी S&P 500 और नैस्डैक में भी हम देख रहे हैं कि 2% की कमजोरी के पास कारोबार हो रहा है। अब देखना होगा इसका असर कल हमारे बाजारों पर कैसे पड़ेगा। जो गिरावट दिखाई दे रही है लगातार डॉलर इंडेक्स में मजबूती और महंगाई के जो आंकड़े आए हैं यूएस में वो परेशान करने वाले हैं। लेकिन स्वदेश